नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रगति मीडिया में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम कुछ खास बातों पर बात करने जा रहे हैं जो प्रगति मीडिया में नए सदस्य जो ज्वाइन हो रहे हैं या प्रगति मीडिया के जो भी सदस्य कार्य कर रहे हैं उनके मन में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि प्रगति मीडिया में हम क्यों ज्वाइन हुएँ, हम उसमें सदस्यता क्यों लें, वह प्रगति मीडिया में ज्वाइन होने के बाद में हमको क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब प्रगति मीडिया में अगर कोई मीडिया के अंदर ज्वाइन होना चाहता है या सदस्यता लेना चाहता है तो वो कौन व्यक्ति है जो उसमें सदस्यता ले सकता है, वह रियल मीडिया कौन सी होती है, वह फेक मीडिया कौन सी होती है। रियल मीडिया फेक मीडिया में अंतर ये है कि जो आपको यहाँ से जो एक मीडिया की तरफ से जो आई कार्ड दिया जाता है या किसी NGO की तरफ से या कहीं से भी आपको कोई आई कार्ड मिलता है तो वो सही आई कार्ड कौन सा होता है और गलत आई कार्ड कौन सा होता है। जहाँ पर अगर आप गलत आई कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको खिलाफ़ में FIR या कोई भी पुलिस की कोई प्रॉब्लम आपको या कोई भी FIR वगैरह आपके या चालान आपको हो सकता है। वह आप खबर आपको कहाँ मिलेगी, वह आप खबर अपनी जो आपके पास खबर है वो आप कहाँ दे सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको कैसे मिलता है। और इसमें हम जानेंगे कि अगर आप अपने एरिया में अखबार निकालना चाहते हैं तो अपने एरिया में अखबार किस तरह से निकाल सकते हैं, अपने एरिया में अगर आप केबल TV निकालना प्रगति मीडिया की केबल TV स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रगति मीडिया की केबल TV आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। हर प्रोसेस के बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे कि आपको इजीली समझ में आ जाए या आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए कि आप प्रगति मीडिया के कोई किसी कार्य को करना चाहते हैं या आप मीडिया में किसी कार्य को करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। वह हम जानेंगे कि टीम वर्क किसे कहते हैं, टीम वर्क में आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं या आप टीम वर्क करते हैं तो आपको उसका क्या फ़ायदा होता है। वह हम जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट आप जो लाइक लेके आते हैं वह आप किस तरह का एडवर्टाइजमेंट लेके आ सकते हैं, वह आपको किस किस एडवर्टाइजमेंट लाने पर आपको कितना बेनिफिट होता है वह भी हम जानेंगे। वह हम जानेंगे कि आपको जो PRO ऑफिस होता है, जो सूचना कार्यालय ऑफिस होता है या DM ऑफिस होता है या पुलिस वाहक में जो लेटर जमा करना होता है वो लेटर आपको कैसे मिलता है, आपको गवर्नमेंट का या पुलिस का सपोर्ट कैसे मिलता है, मीडिया में अगर आप अगर मीडिया में ज्वाइन है या मीडिया में सदस्यता ले रहे हैं तो आपको किस तरह के आपको फ़ायदे हो सकते हैं या अथॉरिटी लेटर का मतलब क्या होता है, उसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। वह हम दूसरी इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, वह इसके आगे आने वाली Part 2 में हम यह बताएंगे कि आपको खबर किस तरह देनी होती है, खबर का प्रोसेस क्या होता है, आप अगर माइक से खबर ले रहे हैं तो कैसे देनी होती है, अगर आप लिखित रूप में ले रहे हैं तो आपको खबर किस तरह से लेनी होती है, वह आप अगर पोर्टल पर खबर लगाना चाहते हैं, अगर आप खुद से पोर्टल पर खबर लगाना चाहते हैं तो वह आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम ना समय बेकार करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न था कि जो फेक मीडिया और रियल मीडिया में अंतर क्या होता है। हमने काफ़ी लोगों को देखा है जो NGO या कुछ ऐसे प्रेस ID कार्ड बनवा के ले आते हैं, जो आई कार्ड बनवा के ले आते हैं और उन पर कुछ चार्जेस मेंशन होते हैं और वो उन जो सदस्य किसी मीडिया से या किसी NGO से ज्वाइन हो जाते हैं वो आई कार्ड ले लेते हैं जोश में या फिर पैसे के दम पर ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो जिस मीडिया से ज्वाइन हो रहे हैं वो रियल मीडिया है या फेक मीडिया है। तो आपको आज हम यही डिफरेंस बताने जा रहे हैं। हमने कुछ टाइम में देखा है, मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूँगा, कुछ हमने NGO भी देखी हैं या कुछ हमने यूट्यूब चैनल भी देखे हैं जिनका नाम कुछ इस तरह से होता है कि जैसे क्राइम ब्रांच, मतलब इस तरह से नाम होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने आई कार्ड बनवा लिया कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी हो गए, आपकी पोजिशन एक कमिश्नर से ऊपर की हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप किसी मीडिया से ज्वाइन हो रहे हैं तो कोई ऐसा मीडिया अपना क्राइम ब्रांच या इस तरह से कोई नाम इस तरह से नहीं रखती है, वो ईजिली रखती है और आपको जल्द ही प्रेस आईडी कार्ड नहीं प्रोवाइड कराएगी। उनका एक प्रोसेस होता है, उनका एक लंबा प्रोसेस होता है, उन्हें हर तरह की फाइल जमा करनी होती है, तभी उसके साथ में आप मीडिया के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये बात हो गई हमने NGO की, अब आती है मीडिया की बात। तो कुछ हमने ऐसा भी देखा है कि जो यूट्यूब चैनल हैं, जो केवल यूट्यूब चैनल ही खोल के बैठे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने किसी भी तरीके से लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, तो वह भी प्रेस आईडी कार्ड बनाने लग जाते हैं।
कुछ पैसे लेके 1000 या 500 या जो उन्हें मिल जाए 100-200 रुपये मिल जाए तो भी प्रेस आईडी कार्ड बना देते हैं अपने यूट्यूब चैनल के दम पर। तो वह व्यक्ति जो इन प्रेस आईडी कार्ड को यूज करते हैं तो वह फेक मीडिया पर्सन कहलाते हैं, उनके खिलाफ में FIR हो सकती है या चालान हो सकता है या भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। रियल मीडिया में क्या होता है कि आप किसी भी मीडिया से ज्वाइन हो रहे हैं, पहली बात तो आप देखिए कि वो मीडिया कितने साल पुरानी है या कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। आप उनकी वेबसाइट या उनके पोर्टल या आप किसी भी साइट पर जाके आप चेक कीजिए कि उनका वर्क है या नहीं है। केवल नाम मीडिया खोलने से कुछ नहीं हो जाता है, मीडिया चलाने के बहुत एक गट्स होना चाहिए। और मीडिया आप किस तरह से आपके मीडिया आप जिस मीडिया के साथ आप ज्वाइन हो रहे हैं वो कितनी बड़ी कंपनी है और आप किसी मीडिया के साथ में ज्वाइन हो रहे हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये भी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। दूसरी बात आ जाती है कि अब हम रियल मीडिया और फेक मीडिया में कैसे पता लगाएं। तो यूट्यूब चैनल का मैंने बताया कि वो फेक मीडिया कहलाती है, NGO का मैंने आपको बताया कि वो फेक प्रेस आईडी कार्ड बनाते हैं और उनका प्रेस आईडी कार्ड का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्हें कोई प्रेस आईडी कार्ड बनाने का कोई अधिकार ही नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में आ जाते हैं कि रियल मीडिया कौन सी होती है। रियल मीडिया वह होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस उनको मिला होता है, वही अपना आई कार्ड या कोई भी सदस्यता दे सकती है, जैसे कि दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर या कोई भी मीडिया, जैसे हमारी प्रगति मीडिया भी गवर्नमेंट के द्वारा इसने लाइसेंस लिया हुआ है। तो ये भी अगर किसी को सदस्यता या किसी को मेंबर ज्वाइन करना चाहे एडिटर के बेस पर तो ही वह ज्वाइन हो सकता है एक मीडिया में। केवल एक एडिटर ही है जो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है मीडिया में। तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि किसका क्या रुजू यूज होगा। कुछ लोगों ने हमारे प्रगति मीडिया की कॉपी की हुई है, कुछ कंपटीशन में उतर आए हैं या कुछ लोगों ने अलग अलग किया हुआ है, लेकिन वह बोल रहे हैं कि वह दो नंबर तरीके से काम कर रहे हैं। हम उनको नहीं रोक रहे, लेकिन जो सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं या जो सदस्य उनसे जुड़ने जा रहे हैं उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप हमेशा सोच समझ के और सही जगह पर ही अपना पैसा व अपना विश्वास लगाएं। प्रगति मीडिया हमेशा से विश्वास के साथ में हमेशा जीती आई है और हमेशा विश्वास के साथ ही काम करती आई है। प्रगति मीडिया ने इतना समय हो गया हमको, 2.5 से 3 साल हो गए, हम अपने दम पर कह सकते हैं कि हमने कभी फेक काम या कोई भी गलत काम नहीं किया है। हाँ, हर कार्य में दो नंबर का काम थोड़ा सा जरूर हो जाता है, 1-2%, कहीं पे दुकान वाले भी बिना GST के सामान बेचते हैं या हर तरीके से, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% सही हैं। कहीं ना कहीं हमसे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 1-2% गलती हो सकती है, लेकिन हमेशा हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हमेशा हम आपके विश्वास पे जीते रहें और आपके साथ में मिलजुल के कार्य करें। आइए हम दूसरे प्रश्न पर जाते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न था कि अगर कोई मीडिया में ज्वाइन होना चाहता है तो वह क्यों ज्वाइन हो, उसे और उसको क्या बेनिफिट होंगे और कौन व्यक्ति मीडिया में ज्वाइन हो सकता है, यही प्रश्न आज हम जानेंगे। तो हाँ, आपका सबसे पहला था कि आप प्रगति मीडिया में या किसी मीडिया में आप क्यों ज्वाइन हो। आप मीडिया के अंदर तभी ज्वाइन हो सकते हैं जब आपका इच्छा हो और आप मीडिया में कुछ कार्य करना चाहते हो, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है। यहाँ आपको अपनी बात कहने का स्वतंत्र आपको अधिकार होता है, आप अपनी बात को कहने का आपको पूरा अधिकार है संविधान के द्वारा। लेकिन आप अगर प्रशासन के सामने या समाज के सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं तो आपके पास में एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है मीडिया, और आपके पास में एक लीगल लाइसेंस होता है, लीगल एक अथॉरिटी होती है अपनी बात को कहने का, अपने मुद्दों को पर लड़ने का, तो वो कहलाता है आपका मीडिया। और मीडिया में आप अगर सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं, ना कि अपने पैसों के या किसी को धमकाने के लिए ही, तो आप मीडिया में ज्वाइन हो सकते हैं। समाज गरीबों की हेल्प करने के लिए या किसी की सहायता करने के लिए या किसी मुद्दे पर खड़ा उतरने के लिए तभी आप मीडिया में ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेरीज हैं जो आप मीडिया के द्वारा ज्वाइन हो सकते हैं। और मीडिया में ज्वाइन होने पर आपको क्या मिलता है मीडिया में, पहली बात तो बता दूं कि आपको मीडिया में ज्वाइन होने के बाद में आप यहां से दो तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं, ऐसा वॉलेंटियर या आप ऐसा मेंबर। वॉलेंटियर ज्वाइन होते हैं तो आपको यहां पे कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब आप कार्य करते हैं आपको एक अधिकार मिलता है,
अगर आप किसी का सोशल वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, गरीब की हेल्प कर रहे हैं, तो कोई मीडिया आपको हेल्प करती है कि नहीं करती, लेकिन प्रगति मीडिया आपके साथ में हमेशा खड़ी रहती है और किसी की सहायता करने में, कोई भी सोशल वर्क करने में प्रगति मीडिया हमेशा आपका साथ देती है। और प्रगति मीडिया में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको, या किसी मीडिया में ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक यहाँ से एक ऐसा मेंबर कार्ड मिलता है जिससे आप ऐसा रिपोर्टिंग ले सकते हैं या उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। और प्रगति मीडिया में या किसी मीडिया में कौन व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है, किसी मीडिया में ज्वाइन होने के लिए कम से कम आपका 10th पास होना ज़रूरी है और उसमें आपको जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन आना चाहिए। अगर आपको वह नहीं आता है तो आप ऐसा फ्रीलांसर ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी मीडिया के साथ में। आप फ्रीलांसर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आपको एडिटर के द्वारा ऐसा फ्रीलांसर ही ज्वाइन किया जाता है, जहाँ पे आपको कुछ अथॉरिटी दी जाती है या कुछ आपको फॉर्मेलिटीज दी जाती है जो आप यूज कर सकते हैं। और आप मीडिया माइक के द्वारा भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट या काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि आपको पैसे कैसे मिलता है, पैसे आपको किस तरह से मिलते हैं, इसके बारे में ये बहुत ही एक सोचने समझने वाला प्रश्न है। ये सोचने समझने वाला प्रश्न इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगह से पैसे मिलते हैं। मीडिया में सबसे पहला जो पैसा, ज़्यादा बड़ा पैसा जो आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स होती है, वो होता है केवल विज्ञापन। विज्ञापन से ही आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किसी मीडिया में सदस्यता ली हुए हैं या आप किसी मीडिया के साथ में ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहाँ आप विज्ञापन देके उनसे 50% का चार्जेस ले सकते हैं। जैसे आपने 10,000 का विज्ञापन दिया तो आपको 5,000 रुपये या 4,000 रुपये आपको वो मीडिया दे सकती है। या आप कोई आपको मीडिया अगर आपको रिपोर्टिंग का पैसा दे रही है तो भी वह विज्ञापन के द्वारा ही पैसा किसी से लेके तभी आपको वह रिपोर्टिंग का पैसा देती है। या भारत सरकार के द्वारा भी कुछ पैसा मिलता है तो आपको वह पैसा देती है। भारत सरकार के द्वारा भी कुछ रिपोर्टर को ज्वाइन किया जाता है, तब भी आपको भारत सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है वो पैसा भी आपको मिलता है। अब प्रश्न आ जाता है कि अब आपको खबर कहाँ मिलेगी और आप कैसे दे सकते हैं। खबर आपको किस तरह से देनी है इसके बारे में हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि खबर आपको किस तरह से देनी होती है। अभी हम बताएंगे कि अब आपको खबर कहाँ मिलेगी और आपको किस तरह से देनी है खबर। आपको जैसे आप अपने समाज में रह रहे हैं, आपके समाज में पास में कोई घटना घट गई है, या आपको कोई ऐसा मुद्दा लगता है कि ये मुद्दा उठाना चाहिए मुझे अपने शहर के लिए, जिला के लिए, या अपने देश के लिए, आप उस मुद्दे को उठा के आप मीडिया में चला सकते हैं। आप मीडिया के द्वारा समाज तक, प्रशासन तक उस मुद्दे को पहुंचा सकते हैं। और आपके पास में अगर कोई मुद्दा है और आपके आपको कोई प्रशासन या किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो भी आप मीडिया की सहायता ले सकते हैं उस मुद्दे को उठाने के लिए या किसी के सोशल वर्क करने के लिए। काफ़ी जगह पे हमने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़कें नहीं बन रही होती हैं या काफ़ी कार्य वहाँ रुका होता है, तो वह प्रगति मीडिया की हेल्प लेते हैं। तो प्रगति मीडिया ने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जिससे प्रगति मीडिया को अपने ऊपर गर्व होता है कि उनके द्वारा कोई सामाजिक हित कार्य हो रहा है और समाज के लिए कोई कल्याणकारी कार्य हो रहा है। वहाँ के आसपास के लोग प्रगति मीडिया को काफ़ी प्रशंसा करते हैं, इससे हमारी मीडिया का नाम भी अच्छा होता है और जो है जो रिपोर्टर, जो हमारा सदस्य वह कार्य करवाता है प्रशासन के द्वारा, उसका भी नाम होता है। तो आप ऐसे कार्यों में आप अपना हिस्सा दे सकते हैं और आप अपनी खबर कहाँ दे सकते हैं। आप हमें प्रगति मीडिया की मेल आईडी pragtimedia.org@gmail.com व हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे आप नंबर पे या किसी प्रगति मीडिया के किसी भी नंबर पे, या pragtimedia.org हमारी वेबसाइट है, वहाँ के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके आपको जो नंबर मिलता है उस पर आप खबर दे सकते हैं। या आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप हमें खबर दे सकते हैं और आपको उसका लिंक भी थोड़े समय के बाद में मिल जाता है। उसके बाद में प्रश्न आता है कि अगर आप अपने एरिया में अखबार निकालना चाहते हैं या प्रगति मीडिया का केबल टीवी का कार्य करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते हैं। प्रगति मीडिया का अखबार निकालने के या केबल टीवी का कार्य स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़े से कुछ प्रोसेस की स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है। वह प्रोसेस काफ़ी बड़े हैं, मैं उसके लिए
अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए दूसरी एक वीडियो और बना दूंगा। उसमें आपको कुछ पेपर्स की नीड होती है, कुछ लाइसेंस की नीड होती है, कुछ अथॉरिटी की नीड होती है, उसके द्वारा ही आप प्रगति मीडिया का अखबार निकाल सकते हैं। और अगर आप केबल टीवी का कार्य करना चाहते हैं, जो आपके ज़िले में या एरिया में ही केबल जो न्यूज़ चैनल प्रसारण होगा वही केबल टीवी कहलाता है, अगर वह कार्य करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मेलिटीज होती है, वह आप कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है कि आपको, हमने फेक और रियल मीडिया के बारे में बता दिया है, उसके बाद में आ जाता है कि आपका टीम वर्क से क्या होता है। अगर आप टीम वर्क करते हैं तो टीम वर्क से आपको क्या मिलता है, आपके टीम वर्क से मैं आपको एक थोड़ा सा, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सपोज आपका एक एरिया है जो कि 20 किलोमीटर के अंदर आता है, 20 किलोमीटर के अंदर अगर आप एक मीडिया के सदस्य हैं तो आपको शायद ही कुछ लोग जानेंगे या शायद ही कुछ लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ आप किसी मीडिया के सदस्य हैं, या आप अपनी कोई जागरूकता या आप अपना कोई रिपोर्टिंग या कोई पर्पस दिखाना चाहते हैं तभी आपको लोग जानेंगे। लेकिन उसी 20 किलोमीटर के अंदर अगर करीबन 7 से 8 सदस्य या 8 से 9 सदस्य उसमें हैं तो आपको हर कोई पर्सन जानेगा और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी जगह जगह बढ़ जाएगा कि भाई आपको विज्ञापन लेके आना है, आपको एडिटिंग करनी है, आपको खबर लेके आनी है, आपको उनसे मीटिंग करनी है, आपका काम बढ़ जाता है। जिससे कि टीम वर्क से क्या होता है कि आपका काम बहुत ही स्ट्रांग और एक लीगल वर्क हो जाता है और एक अच्छे तरीके से कार्य होता है। दूसरी बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का क्या रोल रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन से ही सबसे ज़्यादा मीडिया में पैसा आता है, तो आपको विज्ञापन पर भी फोकस करना होता है। विज्ञापन के अलग अलग चार्जेस होते हैं, इंच के हिसाब से होते हैं, या आपका विज्ञापन कितना बड़ा है, कितने सेकंड का है, उसके हिसाब से भी अलग अलग चार्जेस होते हैं। या अगर आप किसी सोशल वर्क करना चाहते हैं या किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वे विज्ञापन भी फ्री में लगा दिया जाता है, तो विज्ञापन के अलग अलग चार्जेस होते हैं। आप किसी से विज्ञापन ले सकते हैं और उसका कुछ कमीशन या कुछ अमाउंट मीडिया में देके आप अपना विज्ञापन चलवा सकते हैं। दूसरी बात है विज्ञापन में आप क्या, विज्ञापन आप कहाँ से लेंगे, यह मैं आपको बता दूं। आपके नज़दीक में कोई दुकानदार है जहाँ आप, उसकी कोई फेमस दुकान है, वो अपने विज्ञापन देना चाहता है, उसका आप विज्ञापन ले सकते हैं, किसी फैक्ट्री का ले सकते हैं, या किसी ऐसी जगह का, या किसी ऐसी दुकान का, या किसी ऐसे स्थान का विज्ञापन ले सकते हैं जिसका विज्ञापन देने से उसका और प्रचार या उसकी और फेमस होगी, तो ही आप उसका विज्ञापन लेके मीडिया में आप चलवा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आपके पास में जो लेटर दिया जाता है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हमें अथॉरिटी लेटर चाहिए, पीआरओ लेटर चाहिए, या हमें एक ऐसा लेटर चाहिए जिससे कि हमें मीडिया और पुलिस का सपोर्ट बना रहे, गवर्नमेंट का और मीडिया का सपोर्ट बना रहे, तो वह लेटर आपके कार्य को देखते हुए दिया जाता है जहां आपको गवर्नमेंट का और पुलिस का सपोर्ट मिला रहता है। सूचना विभाग का भी आपको लेटर दिया जाता है जहां से आपको हर खबर के बारे में, आपके ज़िले में कौन सी खबर आने वाली है, खबर कौन सी चल रही है, उसके बारे में आपको पहले ही पता लग जाता है, जल्द से जल्द आपको पता लग जाता है। वह आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो उस लेटर के द्वारा आपको पुलिस की या प्रशासन की तरफ से कोई परेशानी नहीं होती है, बल्कि आपको उसका बेनिफिट होता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में आज हमने जाना है। इसके बाद में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे कि आपको खबर किस तरह से देनी होती है, आप लिखित रूप में या आपको मीडिया मैक के द्वारा आपको खबर किस तरह से देनी होती है, वह आप पोर्टल पर खबर किस तरह से लगा सकते हैं। आप सभी साथियों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी प्रगति मीडिया में जो सदस्य हैं या जो सदस्य होने जा रहे हैं, अगर आपने यहाँ 1 रुपये भी दिया है तो आप उसका यूज करें, आप उसके लिए बेनिफिट लें, आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके कोई भी प्रश्न है आप उसके बारे में जानकारी लें, और आपका कोई भी क्वेरी है आप हमसे पूछें अगर आपने यहाँ 1 रुपये भी दिया है, क्योंकि आपका 1 रुपये भी बहुत अमूल्य है और आपकी मेहनत के द्वारा कमाया हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि आपके मन में कुछ भी ऐसा आए कि मेरा पैसा कहीं भी किसी भी चीज़ में कोई यूज में नहीं आया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमारी मेल आईडी पे या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।